तो डियर स्टूडेंट, आज इस थर्ड शिफ्ट के पेपर को लेकर हम आ चुके हैं आपके सामने। मैं और चंद्र सर आपको जीएस का पूरा एनालिसिस कराएंगे। लगभग जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं सर, उतने क्वेश्चन हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, होप सो सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि जो भी हमने फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में बताया उसी से रिलेटेड थर्ड शिफ्ट आया है। बिल्कुल वही क्वेश्चन आए हैं जो हमने बताए थे कि उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आने हैं, उससे रिलेटेड ही आए हैं। तो बहुत अच्छा फायदा मिला है बच्चों को, बताऊंगा जी। तो वैसे ही स्टैटिक बहुत ज्यादा आ रहा है, जी जी जी, ठीक है। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैंने आपको जब वहां पर एक, आपको याद होगा फर्स्ट सेशन में हमने सर वहां पे एक सेग्रीगेट करके बताया था कि हिस्ट्री हाँ, में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने, कितनी पढ़नी है। हिस्ट्री में आप क्या करना, सिंधु घाटी को छोड़ भी सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वैदिक से स्टार्ट कर। तो वैदिक से क्वेश्चन पूछा ना, वैदिक से क्वेश्चन आ गया कि भाई जो पुराना नाम पूछा है रिवर का, कि विपाशा जो है किस नदी का पुराना नाम है। ये देखो विपाशा कहाँ पे दिया था, वैदिक पीरियड में ना, तो विपाशा पूछा था बेटा, ये क्वेश्चन था विपाशा किस नदी का पुराना नाम है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट्स। किस नदी का, इस तरह के अभी और स्टूडेंट्स भी हमें क्वेश्चन भेज रहे हैं लगातार, और किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन भेजना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्टली क्वेश्चन भेज सकते हैं हमें। तो जितने क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उतने हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या था सर, ये कि विपाशा किस नदी का पुराना नाम है। तो ये आपका आंसर हो जाता है व्यास, व्यास नदी। आपको सभी नदियों के नाम बताए थे, विपाशा, परुष्णी, रावी है ना, सतलज, सतुद्री, झेलम, ये सारे नाम बताए थे। तो कितना अच्छा प्रश्न है, यहाँ से आ गया है इजी क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ सर, अगला क्वेश्चन कौन सा है सर, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना। ओहो, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना पूछ ली। ये तो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, दिल्ली एचसी की स्थापना बताइए, कमेंट करिए फटाफट से, कमेंट करिए बेटा। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। इस चीज में एक चीज सर आपको याद होगा, तीन दिन पहले जो एनालिसिस थी जो सेकंड डे की, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां पर हाई कोर्ट है, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट था। दिल्ली हाई कोर्ट वही, डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पूछ लिया गया है। तो बताएं फटाफट से कब हुई थी इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना जल्दी से स्टूडेंट बता दीजिए, तब तक सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगलों का नियोजित शहर, ओहो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये अभी डिस्कस हुआ था क्लास में कि मुगलों का नियोजित शहर कौन सा है। सर ने, चंद्र सर ने स्पेशली बताया था कि नियोजित शहर एक वही है, एक तो फतेहपुर सीकरी सबसे पहला नियोजित शहर है, दूसरा नियोजित शहर जो हो जाता है वो इलाहाबाद है, लेकिन सबसे पहला नियोजित शहर मुगलों का फतेहपुर सीकरी था। क्या था, तो सबसे पहला ही पूछा, सबसे पहला पूछा था बेटा, इलाहाबाद नहीं लिखा था, तो ऑप्शन में फतेहपुर सीकरी था, तो इसका सबसे पहला स्टूडेंट्स फतेहपुर सीकरी ही हो जाएगा। तो सबसे पहला नियोजित शहर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज और देख लेना, मैं यहाँ पर ही क्लियर कर देता हूँ सर आजी, कि आने वाली शिफ्ट में अगर आज फतेहपुर सीकरी से क्वेश्चन आया है तो इतनी चीज याद रखना कि फतेहपुर सीकरी में जितने भी किले हैं वो किसने बनाए, किसके शासन काल में बने, याद कर लो। बिल्कुल, निजामुद्दीन औलिया से भी प्रश्न आ सकते हैं अगर अकबर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो, ठीक है ना, क्योंकि इसको रटना पड़ेगा। फतेहपुर सीकरी से आया तो डेफिनेटली क्वेश्चन सर अपने, सर इसकी स्थापना बता देते हैं बच्चों को एक बार से, स्थापना सर बता दीजिए 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, तो ये है 1966 में हुई थी। तो ये स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको तो ये पूछा है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है वो कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो ब्लैक बक, ब्लैक जस्ट बक, ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो एक बहुत ही सिंपल सा, तब तक कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवंतिका जी बोले गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अवंतिका जी, भाई बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे इस सेशन में। तो होप सो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और स्टूडेंट्स जिसका भी नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, कल पेपर है या परसों, तो आप इन क्वेश्चन से आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का पेपर आ रहा है। तो बेटा ब्लैक बक के बारे में आपने जाना है, इससे स्टैट्स में हमने शिवम सर है अपने, उन्होंने बहुत अच्छे से स्टैट्स में दिया है, स्टैट का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा स्टैट्स आ रहा है। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है, अंकुर गुड इवनिंग, करवाया है सारी, हर एक चीज आई है स्टैटिक में, तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन हमें मिला है, इसका आंसर क्या होगा बेटा, आपको बताइए, इसे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे कम किस राज्य की जनगणना, जी ये भी क्वेश्चन, मैंने क्या बोला सेंसस से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है,
हर शिफ्ट में सर सेंसर बिल्कुल सर बिल्कुल सर ठीक है तो ये मैंने सॉल्व भी कराया था पिछले सेशन में सर सेकंड शिफ्ट में हमने कराया था कि सबसे ज्यादा किस राज्य की है और सबसे कम किस राज्य की है ठीक है तो इसमें आंसर आ जाएगा जी हरियाणा लिंगानुपात पूछा है सबसे ज्यादा किसका है वो भी हम आपको बता चुके हैं केरल का सबसे ज्यादा है हरियाणा सबसे ज्यादा पूछ लिया इस बार सबसे कम पूछे जेडी कह रहे हैं सर थर्ड शिफ्ट के पेपर का लेवल कैसा था सर तो बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो बहुत ही इजी देखो जीके जो है अपना जनरल स्टडीज जो सेक्शन है ये मैं पहले से ही बोलता आया हूँ इस बार भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो इसका लेवल है वो बिल्कुल खत्म है बिल्कुल मैं ये बोल सकता हूँ सर इजी क्वेश्चन इजी इजी अगर हम मॉडरेट की बात करें तो सर मॉडरेट में ज्यादा हार्ड तो नहीं लगता है मॉडरेट लेवल तक ये पेपर नहीं लेके गए हैं बेटा तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है जेटी तो हम बात कर रहे थे ब्लैक बक नेशनल पार्क की तो देखिए यहाँ पर इसका आपका आप आंसर हो जाता है सौराष्ट्र अब सौराष्ट्र में आप देख लीजिए कि सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है तो सर इनसे पूछिए सर सौराष्ट्र कहाँ गिरता है कहाँ पड़ता है कमेंट करके बता दीजिए कि सौराष्ट्र कहाँ है तब हाँ, सर आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2022 महिला विश्व कप की बात कर रहे हैं किस देश ने मेजबानी की थी 2022 का ठीक है जो महिला विश्व कप है वो किसने जीता है ये पूछ लिया है मेजबानी हाँ मेजबानी वही चीज से तो ये पूछा है कि किसने मेजबानी की थी 2022 के महिला कप की तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए भाई एक क्वेश्चन सर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स जी तो ये लेकिन मेरे को लगता है कि ओके अंकुर जी का आंसर आ गया है बहुत बढ़िया न्यूजीलैंड बहुत अच्छा न्यूजीलैंड में ही हुई थी अंकुर जी ने एक क्वेश्चन और किया है कि गुजरात में है सौराष्ट्र बिल्कुल सही स्टूडेंट गुजरात बहुत अच्छा नॉलेज आपने गेन किया है लगता है आपको असर मिला है सीयूईटी के इजीली सॉरी एसएससी बैंकिंग इजीली के साथ जुड़कर आपको जो फायदा मिल रहा है उसको आप नकार नहीं सकते हैं ठीक है सर ये क्वेश्चन आया कि 5G कब स्टार्ट हुआ ओहो 5G का बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया देखिए ये इंटरनेट का जमाना है तो आपसे 5G 4G 3G से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं जैसे आपसे अब देखो 5G पे क्वेश्चन आया एक चीज और याद रखना यहाँ पे दो चीजों के अब आने वाले सेशन में ये भी बता देता हूँ कि आने वाले जिसके भी पेपर होंगे वहां पे आपसे दो चीजें और पूछ सकते हैं वो कौन कौन सी दो चीजें पूछ सकते हैं एक वाईफाई की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं वाईफाई पूछ सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये लाईफाई की फुल फॉर्म भी पूछ बिल्कुल सर बिल्कुल सर तो कमेंट में बताइएगा वाईफाई और अंकुर जी कह रहे हैं रिवीजन में पढ़ा था सर ये सब बिल्कुल रिवीजन में आपके साथ बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है तो इसे क्लासेस में भी मैराथन क्लासेस से क्वेश्चन भी आए हैं तो ये 5G नेटवर्क की शुरुआत बता दीजिए सर हाँ तो ये हो गई है हमारी 1 अक्टूबर 2022 में स्टार्ट हो गया तो 2022 में हुआ था और बहुत सारे स्टूडेंट इसको 2023 करके आए हैं ठीक है और उन्होंने ऑप्शन में 2023 लिखा दिया था इसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया था तो 2022 को सही है क्या बन जाता है 2022 इसका आंसर बन जाता है अच्छा अगला हमारे पास एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिला है खिलजी वंश की देखिए खिलजी वंश की स्थापना मुगल से क्वेश्चन मुगल सल्तनत काल से क्वेश्चन पूछा है खिलजी वंश की स्थापना पूछी गई है एक्चुअली दिल्ली सल्तनत से पूछ लिया है हाँ। तो दिल्ली सल्तनत में भी मैंने क्या बोला था हमने सर हाईलाइट किया था दिल्ली पूरा हाईलाइट किया था पूरा हाईलाइट किया था पढ़नी और पहली ही वंशावली पूछ ली दिल्ली सल्तनत की देखिए दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी होती है कि उसके बाद कौन आया क्रम से जी के तसले में सर ये ट्रिक देख लीजिए सर जी के जी एस एल में जी के तसले में तो यहाँ से गुलाम वंश हो जाते हैं खलजी तुगलक सैयद और लोधी इस तरह इसके बाद फिर मुगल वंश की स्थापना होती है तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ऑफिशियली की थी इसका आंसर हो जाएगा बेटा जलालुद्दीन खिलजी हाँ ठीक है उसके बाद क्या हुआ था कि इनके ही नेफ्यू ने इनको मार दिया था हाँ ठीक है और उन्होंने एक बहुत ही फेमस कोट भी बोला था कि किंगशिप नोज नो किनशिप ठीक है तो ये चीज भी उन्होंने बोली थी ये आपने याद रखना है सर और भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं क्या और हमारे पास सर एक क्वेश्चन है हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई महात्मा गांधी से संबंधित है ना हरिजन सेवक संघ ठीक सर तो ये क्वेश्चन है हमारे पास तो ये किसने की थी ये की थी गांधी जी ने आपसे ये भी पूछा जा सकता है अगली शिफ्ट में भी किसने की थी इस शिफ्ट में ये पूछ लिया कि कब हुई तो बेटा ये गांधी जी ने की थी और ये की थी 30 सितंबर 1932 में बिल्कुल सर 30 सितंबर 1932 में ये की थी उसके बाद एक क्वेश्चन और है सर हमारे पास जी भीमसेन जोशी किस राज्य से हो भीमसेन जोशी पंडित भीमसेन जोशी इनका संबंध किससे है हाँ तो ये भी पूछ लिया था और पूछा भी जा सकते हैं
किस राज्य से है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि पद्म पुरस्कार किसको मिला है इसमें से, तो वहां पे भी आंसर भीमसेन जोशी हो जाएगा, क्योंकि हर एक मैंने आपको क्या बताया, एक तो नृत्य भी पूछ रहे हैं और दूसरी चीज क्या है सर, गायन वादन से, गायन वादन से भी पूछे जा रहे हैं। कर्नाटक से संबंध रखते हैं भीमसेन जोशी, तो कर्नाटक से ये संबंध रखते हैं। बेटा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जानकारी देता हूँ कि भीमसेन जोशी वे कलाकार हैं जिन्हें पद्म श्रेणी के पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है ना। इन्हें पद्मश्री के पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें दिए जा चुके हैं, कर्नाटक से संबंध रखते हैं। तो सर हमारे पास और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है सर, तो जितने क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने भेजे हैं वो अब तक हमसे संपर्क बनाए हुए हैं कि लगातार सर इतने क्वेश्चन आए हैं, तो ये आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा सर की क्लास से, मेरी क्लास से आपका बहुत अच्छा पेपर गया है। और स्टैटिक जरूर पढ़िए, बार बार यही चीज बोल रहे हैं। अब आपके साथ बहुत ही जहाँ से आपकी सिलेक्शन, मैं पहले भी बोला था इस सेशन में भी बोल रहा हूँ कि जहाँ से आपकी सिलेक्शन निर्भर करेगी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो जल्दी ही हमारे साथ अब एबी सर जुड़ने वाले हैं। तो भाई वेरी मच वेलकम टू एबी सर, आपके सवालिए सर बच्चों को थोड़ा गाइड करिए, बताइए कि किस तरह का एग्जाम ये आया है पेपर में सर। सो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू चंदर सर, थैंक यू सर। तो यहाँ पर जैसा सर लोगों ने बताया कि भाई जीएस में जिस तरह के क्वेश्चन है, दो शिफ्ट का हमने एनालिसिस किया, पूरा टाइम देखा उसमें कि भाई क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही थी। अब इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, आप कहेंगे कि सर आपने पहली शिफ्ट में भी कहा था पेपर ईजी है, आप दूसरी शिफ्ट में भी कहा था पेपर ईजी है, तो क्या तीसरी शिफ्ट में भी पेपर ईजी था? बिल्कुल ईजी पेपर था स्टूडेंट्स, बिल्कुल ईजी पेपर था। लेवल ऑफ एग्जाम अगर मैं कहूं, इट वॉज वेरी इजी। फिर से वही बात कहूंगा कि अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन करी है, अगर आपने 3 महीने 4 महीने हमसे पढ़ा, किसी और से भी पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा, मगर आपने अगर इंग्लिश ढंग से पढ़ा है तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो एग्जामिनर ने पूछ लिया हो, जो आप पढ़ के नहीं गए होंगे, या जो बहुत कॉमन, बहुत अनकॉमन सी चीज है। गुड अटेम्प्ट्स इंग्लिश सेक्शन में, अगेन आई वुड से कि 20 to 22 क्वेश्चंस अगर आप करके आए हो, अगर आप 20 to 22 क्वेश्चंस करके आए हो मतलब आपने पेपर अच्छा किया है। 20 to 22 क्वेश्चंस आर गुड अटेम्प्ट। अब उसके बाद क्वेश्चंस आ कहां कहां से रहे हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड क्या पूछे गए, एक वर्ड तो मैं आपको, जो स्टूडेंट से बात हुई उसने बताया कि सर इम्पीड आया था, ये इम्पीड का सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में। तो इम्पीड करना स्टूडेंट्स, जब मैंने वोकैबुलरी की क्लासेस ली, मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाई कि वर्ड्स को पढ़ना कैसे, सबसे पहले आपको वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग पता होनी चाहिए। नंबर टू, जब आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसके सारे सिनोनिम, सारे एंटोनिम्स एक जगह पर कंपाइल हो जाने चाहिए। तो इम्पीड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधा डालना, रुकावट डालना किसी के काम में, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्टेकल, हिंडर, हिंड्रेंस, इम्पीड का इम्पेडिमेंट होता है नाउन, ये इम्पीड, इम्पेडिमेंट बार बार एसएससी पूछता है, बार बार एसएससी पूछता है। एसएससी क्या करता है, यही वर्ड इम्पीड आज एसएससी एमटीएस में देखने को मिला, कल सीजीएल सीएचएसएल में भी देखने को मिल सकता है, एमटीएस के पेपर में देखा, जीडी, ऐसे ही वर्ड इधर से उधर पूरे सर्कुलेट होते रहते हैं, पूरे वर्ड इधर से उधर इसी तरीके से सर्कुलेट होते रहते हैं। तो बस इन्हीं कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रख लोगे तो एग्जाम में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको परेशान करेगी। लाइक आई ऑलवेज से, मैंने आपको सुबह की शिफ्ट में भी बताया था, कोई पीक्यूआरएस वाला क्वेश्चन नहीं है, कोई वॉइस वाला क्वेश्चन नहीं है, कोई नरेशन का क्वेश्चन नहीं है, कोई आरसी आपको नहीं पूछ रहा है। एसएससी ने आरसीज पूछना तो बंद ही कर दिया है। अब प्री एग्जाम में कहूं या बात करूं टीयर वन एग्जाम में, तो एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें टीयर वन में एसएससी ने आरसीज पूछना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, भूल गया, आरसी नहीं पूछता, आरसी की जगह पूछता क्या है, क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जरा। क्लोज टेस्ट भी जो एसएससी एग्जाम में पूछ रहा है वो पूछ रहा है ग्रामर बेस्ड, बिल्कुल बेसिक चीजें, बेसिक रूल्स। किस तरह के रूल्स मैं आपको बताता हूं कि कोई फिलर दे दिया यहां पर, लिख दिया स्ट्रॉन्गेस्ट,
स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय लिख दिया, कुछ इस तरीके से पैराग्राफ चल रहा है, ये पैटर्न हो रहा है। अब यहां पर आपको ऑप्शन दे दिए कि भाई क्या आर्टिकल आएगा, क्या आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो एसएससी आपको इसी तरह के पूछ रहा है, आपको पता है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री है, आपको पता है ये चीज, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको सिखाए हैं वही बेसिक चीजें आपको हेल्प कर रही हैं क्लोज टेस्ट में, वही बेसिक चीजें आपको हेल्प करेंगी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में, वही बेसिक चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में। तो इसी तरह से आज के एग्जाम का पैटर्न था। अगर और मैं बात करूं एक क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि भाई ऑप्टिमिस्ट आया था सर क्वेश्चन में, ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं, तो ऑप्टिमिस्ट अगर पूछा गया इस सेशन में तो आप ये मान सकते हैं कि कल के शिफ्ट में पेसिमिस्ट पूछ लेगा। भाई ऑप्टिमिस्ट जो हर चीजों में पॉजिटिव साइड देखते हैं, पेसिमिस्ट जो हर चीजों में जिनको नेगेटिव साइड दिखता है। तो ये सारी चीजें प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, जो मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किलिंग्स, डिफरेंट साइड टाइप्स ऑफ फोबियाज, मेनियाज, इनको तो आप मिस कर ही नहीं सकते। ये तो आपको पढ़ के जाना ही है एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को काफी मिलते हैं। तो इंग्लिश का आज का बच्चों यही लेखा जोखा था। जैसा मैंने आपको बोला लेवल काफी इजी था अगर आपने सिंसियरली दो तीन महीने पढ़ाई करी है। तो 22 क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई जिसने भी ढंग से पढ़ के गया वो ये आंसर कर पाया होगा। सिलेक्शन आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि सिलेक्शन आपको मिलना है इंग्लिश से, सिलेक्शन आपको मिलना है जीएस से। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंग्लिश। अब रीजनिंग वाले सर आपको रीजनिंग का आज का कैसा पेपर रहा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरा। तो उम्मीद है सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। सर ने इंग्लिश का बताई दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आए, क्या क्या देखने को मिला यहाँ पे। और जैसे कि हम देखो डिस्कस कर रहे हैं हर पारी के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहा है रीजनिंग का, एकदम जो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कि कुछ टॉपिक उनके फिक्स हो चुके हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं उनसे कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। यानी आज जो एक टॉपिक नया और जुड़ा है उससे हम बता देते हैं। चलो बात करते हैं कि किस किस टॉपिक से। थर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, थर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने और कितने बने ये सब हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले एनालॉगी की। एनालॉगी की देखो हमेशा हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला, तो अब जो थर्ड शिफ्ट है उसके अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिला एनालॉगी की। देखो कोडिंग डिकोडिंग का मैंने मॉर्निंग में भी कहा था, दिन वाली शिफ्ट में भी कहा था। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें फिर से दो क्वेश्चन देखने को मिले थर्ड शिफ्ट के अंदर। कोडिंग डिकोडिंग से कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन देखने को मिले, यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिले थर्ड शिफ्ट के अंदर। जैसे बच्चों से बात हुई तो वो बता रहे कि दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिले। अब कुछ क्या है एनालॉगी के अंदर भी कोडिंग डिकोडिंग को कन्वर्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। यानी इसमें क्या एनालॉगी का क्वेश्चन भी उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग के मान लिया, पर दो से तीन क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिले थे। सीटिंग अरेंजमेंट, देखो सीटिंग अरेंजमेंट से हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी कितने, दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो आज भी जो थर्ड शिफ्ट के अंदर दो क्वेश्चन यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए, सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिले। और सीरीज की बात कर देखो सीरीज से भी हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सीरीज से भी दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। बात करते हैं सिमिलर सेट, सिमिलर सेट से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। अब सिमिलर सेट क्या होता है ये आपको पता है ना, सिमिलर सेट क्या होता है, सिमिलर सेट में आपको दे दिया गया होगा ऑप्शन, यानी एक आपको क्वेश्चन में आपको संख्या दे दी गई होगी, मान लो 248 दे दिया गया। अब आपको चार ऑप्शन देगा, जैसे यहाँ पे पैटर्न चल रहा है क्या, दो का स्क्वायर और दो का क्यूब चल रहा है, ठीक है। या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, दो इंटू दो चार और चार इंटू दो कितना हो गया, एट आ गया। तो आपको बताएगा कि कौन सा सेट है, यानी ऑप्शन में से कि कौन सा इसके सिमिलर जैसा है, तो वो आपको टिक करना होगा। ये होता है हमारा सिमिलर सेट, ठीक है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से कितने क्वेश्चन बने, दो बने, जिसमें दोनों क्वेश्चन में क्या था, एक में साइन चेंज, साइन का इंटरचेंज था, और दूसरे में किसका था, दूसरे में था यहाँ पे संख्या होगा यानी नंबर्स का, नंबर का यहाँ पे, यानी एक जो क्वेश्चन था उसमें साइनों को इंटरचेंज करवाया था और दूसरे में क्या था, नंबर को इंटरचेंज करवाया था।
ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन देखने को मिला, मिरर इमेज से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला यहाँ पे, मिरर इमेज से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जितनी भी शिफ्ट हुई है उसमें पेपर कटिंग फोल्डिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ओनली मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एम्बेडेड फिगर से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बना, एम्बेडेड फिगर से भी एक क्वेश्चन जो जिसको बोलते हैं सन्निहित, सन्निहित आकृति जो होती है ना उसका क्वेश्चन बना यहाँ पे। आगे बात करते हैं तो अल्फाबेट सीरीज से देखो एक क्वेश्चन अलग जुड़ गया है यहाँ पे, अल्फाबेटिक सीरीज से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड शिफ्ट के अंदर, अल्फाबेट सीरीज से एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। आगे बात करते हैं देखो सिलोगिज्म के दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, सिलोगिज्म के दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिलेंगे। मतलब इस तरह का जो पैटर्न ये आज जो मैंने देखा, देखो सारे ये टॉपिक थे बिल्कुल सही चल रहा, सेम चल रहा था, फर्स्ट शिफ्ट में भी इसी टॉपिक से पूछा गया, लेकिन जो थर्ड शिफ्ट है इसमें एक नया टॉपिक से उठाया गया, अल्फाबेट सीरीज से एक क्वेश्चन उठा लिया। बाकी जितने क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक उठाए जा रही है फिक्स हो चुके हैं एसएससी एमटीएस के लिए, यानी ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, पेपर कटिंग फोल्डिंग से भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो देखो एनालॉगी पढ़ लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट, इन सब जो टॉपिक यहाँ पे जो आ रहे हैं रेगुलर हम बेसिस में आपको बताए जा रहे हैं। और आपके पास में भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमें भेज देना, जिसका भी एग्जाम हुआ है वो हमें क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं। तो मोहित सर को बुलाना चाहूँगा, ये मैथ्स का रिव्यू बताएंगे आपको किस प्रकार का रहा पेपर आज का थर्ड शिफ्ट का। तो आइए मोहित सर, स्वागत है आपका। जी सर, गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि सर ने बताया बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा है सुबह के शिफ्ट में, दोपहर के शिफ्ट में और शाम के शिफ्ट में, बिल्कुल वही चीज़, एक दो चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, अदरवाइज सारी के सारी चीज़ें वही जो सुबह में आई थी वही उसी को उसी चैप्टर से क्वेश्चन शाम में भी आए और उसी से दोपहर में भी आए थे। तो अब अगर आप मैं बात करूँ थर्ड शिफ्ट की, आज थर्ड शिफ्ट में किस किस पैटर्न किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हम उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होता है वो होता है सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, सिंपलीफिकेशन में सुबह के शिफ्ट में भी दो क्वेश्चन थे, दोपहर के शिफ्ट में भी दो क्वेश्चन थे और शाम के शिफ्ट में भी दो क्वेश्चन देखने को हमें मिले। सिंपलीफिकेशन से कितने क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन हमें मिले, चाहे वो सुबह की बात कर लूं, चाहे शाम की बात कर लूं, कभी की भी मैं बात कर लूं, तो वहां पे हर तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन मिले हैं वो कितने क्वेश्चन मिले, सुबह दोपहर और शाम के तीनों में दो दो क्वेश्चन वहां पे हमें मिले सिंपलीफिकेशन से। दूसरे की बात करेंगे परसेंटेज, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आए भाई, परसेंटेज से मेरे दो क्वेश्चन यहां पे देखने को मिले, परसेंटेज से दो। और बात करते हैं हम किस चीज की, बात करें प्रॉफिट लॉस की, प्रॉफिट लॉस, अगर प्रॉफिट लॉस की एंड बात करूं प्रॉफिट लॉस से, इससे हमें दो क्वेश्चन मिले। और इसी का ही अगर मैं पार्ट बना दूं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट से हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिले, एक क्वेश्चन देखने को मिला। मतलब ये सिंपलीफिकेशन से दो रहे, परसेंटेज से दो रहे और ये प्रॉफिट एंड लॉस से दो रहे, और अगर डिस्काउंट की बात करूँ तो डिस्काउंट से एक क्वेश्चन रहा है। ये बिल्कुल आसान पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क से अगर मैं बात करूं, टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिले हैं। टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करता हूं तो कितने क्वेश्चन मिले, दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। एक जो रेशियो है, रेशियो से एक क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिला है, रेशियो से कितना, एक क्वेश्चन मिला है। शाम के शिफ्ट में पाइप एंड सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, पाइप एंड सिस्टम से जो दो क्वेश्चन आए वो दोनों टाइम एंड वर्क से आए, रेशो से एक क्वेश्चन देखने को मिला। अगर मैं बात करता हूँ छठा किससे, डीआई से हमें दो क्वेश्चन देखने को मिले। आज तीनों शिफ्ट में, सुबह के कहूँ, दोपहर के कहूँ, शाम के कहूँ, तीनों शिफ्ट में डीआई के दो ही दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं। ये जी, तो डीआई हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन किससे मिला है हमें, एवरेज से भाई एक क्वेश्चन देखने को मिला, एवरेज से एक क्वेश्चन, क्योंकि एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक सिंपल फॉर्मूले पे काम करता है, तो इससे एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिला एवरेज से। इतनी बात होगी। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बात करता हूँ किससे, एससीएफ और एलसीएम से, एससीएफ एलसीएम से हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिले, एक क्वेश्चन एससीएफ एलसीएम से देखने को मिला। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से दो क्वेश्चन देखने को मिले,
डिस्टेंस है कितने, दो क्वेश्चन देखने को मिले भाई ये। और इसी की बात करें तो बोट एंड स्ट्रीम से, बोट एंड स्ट्रीम से जो हमें मिला है वो हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिले, एक क्वेश्चन हमें बोट एंड स्ट्रीम से देखने को मिला, ये रहा। अब बात करते हैं मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन से दो क्वेश्चन भाई, मेंसुरेशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, मेंसुरेशन से जो हमें मिले हैं वो कितने क्वेश्चन मिले, एक से दो क्वेश्चन देखने को मिला ये। और ये जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल सिंपल था, सिलेंडर पे ये क्वेश्चन आया भाई, किस चीज़ पे आया, सिलेंडर यानी बेलन पे ये क्वेश्चन देखने को मिला, मतलब इन इन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। और सुबह में भी ये नीचे क्वेश्चन आए थे, शाम में भी इसी से आए हैं। तो अगर आप आने अभी आपके सिर्फ पेपर जो होना बाकी है, तो आप जब भी पेपर देने जाएं तो इन सारी शिफ्टों पे काम करके जाएं कि इनमें से आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे, ताकि आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएं। और जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है इसमें कुछ ही क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, ये टाइम एंड वर्क, इन चारों चैप्टरों पे सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इन पे काम कर ले तो आपका अच्छा खासा स्कोर वैसे ही आ जाए, बिल्कुल लड्डू से क्वेश्चन आ रहे हैं ये जी। और एक मेंसुरेशन जो है इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने ही चाहिए ताकि आप पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। तो ये था हमारा थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस, जो सर मैंने और आप मेरी बाकी टीम ने आप सबको बताया कि हम इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कल भी हम देखेंगे कि कल पेपर होगा तो हम एनालिसिस लेके आएंगे, बट जैसे ही पेपर होगा आप जुड़ना ना भूलेगा। और बच्चों फिर मैं कह देता हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप उसका आपने कोई क्वेश्चन देखा तो उसे आप हमें बता भी सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो क्या है, एसएससी बैंकिंग ईजिली ग्रुप, एसएससी बैंकिंग ईजिली ग्रुप। आप यहाँ पे अपने डाउट भी बता सकते हैं, अपने आपको जो भी पेपर में क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे उन्हें बता भी सकते हैं, हम उसे सोल्व भी करवा देंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे, थैंक यू।